आ गए रॉक गार्डन गाइस, वेलकम टू चिमनी समर फॉल रॉक गार्डन। वो देखो वाटरफॉल, वेलकम टू रॉक गार्डन। चलो रॉक गार्डन में आप लोगों को दिखाते हैं अच्छे अच्छे व्यू। और ये रहा मैं, चलो चलते हैं अंदर। ये वाटरफॉल देखिए, इतने सारे यहाँ पर टूरिस्ट भरे हुए। चलो अब आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। झरने की आवाज़ सुनकर तो इतना अच्छा लगा, पहली बार इतनी सारे झरने का पानी का आवाज़ सुन रहे। और यहाँ पर एक एंट्री टिकट भी लगती है गाइस, जिसका प्राइस 30 रुपीज़ है। तो आप लोगों को एंट्री लेने के लिए यहाँ पर 30 रुपीज़ का टिकट भी लेना पड़ता है। उसके बाद आप लोग यहाँ इंटर हो सकते हो। और क्या झरने की, क्या पानी की आवाज़ है गाइस। यहाँ पर देखो वाटरफॉल गाइस, ये है वाटरफॉल अपना। और बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है वाटरफॉल का, इसलिए हम लोग ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, सॉरी। प्यारा से व्यू देख लो गाइस, इतना प्यारा लग रहा है। ठंडा है गाइस, बहुत पानी, बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है पानी। हम इसमें चल रहे हैं तो हम ही जान रहे। अरे भाई पानी गाइस, जो माउंटेन केटू है ना, वहाँ की गैलेक्सी से पगिल कर आता है, इसलिए ये काफ़ी ठंडा पानी था। से क्या व्यू आ रहा है गाइस, प्यारा प्यारा व्यू। और यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बैक में झरना और यहाँ पर सामने में ये। आप लोगों से मैं यही कहूँगा, आप लोग 3-2 मिनट शांत होकर मतलब व्यू को, मतलब नेचर का जो साउंड है उसको आप लोग सुनिए, कितना प्यारा सा नेचर का साउंड आ रहा है। ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छी हरने की पानी की आवाज़। गाइस हम लोग थक गए गाइस, बहुत ज़्यादा ऊपर में था, थक गए। और मूड भी अब नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग करने का, भूख लगा हुआ है गाइस। और ये झरना यार इतना ऊँचा है, आते आते थक गए। और यहाँ पर गाइस क्या व्यू पॉइंट है गाइस, और कितने पतले से रास्ते हैं, एकदम बालकनी टाइप का, पहाड़ पे बालकनी लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और आगे चलिए आप लोग को और भी सिटिंग एरिया दिखाएंगे, एकदम काफ़ी ब्यूटीफुल सिटिंग एरिया है यहाँ पर। और यहाँ पर एकदम मतलब बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, ऊपर में कोई भी नहीं आता, एकदम शांति। और लगता है जंगल में सिर्फ हम अकेले घूम रहे हैं, अकेले एकदम, जैसे 4-5 लोग आराम घूमे जा रहे हैं, मतलब और कोई नहीं है यहाँ पर, ऐसा फील हो रहा था। हम और ये नेचर एकदम डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर कैसा स्लाइडर है गाइस, कैसे भी दौड़ के गया। और गाइस देखो यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा अच्छा सीटिंग एरिया बनाया हुआ, एकदम देखो एकदम बैठने का मस्त। यहाँ पर आइए बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए। वो देखो आएगा गाइस, अच्छा वहाँ बैठे हो, खड़ा होकर आओ। ओहो ले 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 इस देखिए यहाँ पर कितना मज़ा आया, अभी आप लोग ने देखा ही होगा। और अभी हम लोग और नीचे जाएंगे, और देखो वहाँ पर कितना अच्छा सा ट्री है, मतलब पतला पतला सा। मैं जंगल में अकेला घूम रहा हूँ गाइस, कोई नहीं है मेरे पास, मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है, कैसा जंगल में अकेले पहली बार। लोग देखो क्या कर रहे हैं, पार उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पार गिर रहा था, हमें बचाए हुए हैं, नहीं तो पूरे गिर जाता पार यहाँ पर। और बैठ जाओ, काफी मजा आ रहा है यहाँ पर, बैठो बैठो। और वो देखिए वो एक कैक्टस का पेड़ है, उधर से लेंगे। ए ब्रो भाई तो सांप होगा बे, सांप। अरे मुझे नहीं होता था भाई, भीम में मंदिर गए, जो सोना वाला बेंच अच्छा रहता था, जो सांप वाला था। अरे मजा है भाई, जय शिव जी, ये हम लोग खोज के कुछ का, जय भगवान, साथ देना भगवान। करण अर्जुन के शूटिंग यहीं पे हुआ होगा। हमें एक मंदिर मिला, तो मंदिर का नाम नहीं है, लेकिन इसमें मतलब देख के लग रहा है शंकर भगवान का मंदिर है ये। तो हम लोगों ने नाग देवता का मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है, तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रणाम वर्णाम किया। यहाँ से हम लोग साइलेंटली निकल जा रहे हैं।
गाइस मैंने यहाँ से कुछ हम लोग मतलब पहाड़ के किनारे बैठकर कुछ मोमेंट को एंजॉय किया और काफी अच्छा जगह है ना। मैंने वहाँ से बहुत दूर दूर का रोड का व्यू देखा और वो देखो उधर दो लड़के को देखो, काफी इंटरेस्टिंग सा ये प्लेस लग रहा है। ऐसा यहाँ का व्यू है, काफी प्यारा प्यारा ये लोकेशन है, मन कर रहा है यही रह जाए। सोच रहे हैं यही घर बनाएंगे अब कुछ दिन में, लेंगे छोटा सा एक तो गाड़ी खरीद लेंगे वो माउंटेनियंस रॉयल इनफील्ड का, और फिर गोप्रो है ही, और बाद ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करेंगे अब मस्त दार्जिलिंग गैंगटॉक सिक्किम सब का इधर ही ब्लॉग बनाएंगे, मज़ा आएगा। बस मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा सा चल जाए भाई, उसके बाद तो मैं लगी हुई है। और हम लोगों ने रॉक गार्डन में घूमा और थोड़ा बहुत चाय वाय पिया, वहाँ पर दिखा नहीं पाया सॉरी। अब यहाँ से चलते हैं, वो देखो यही घर है क्या इनका, यहीं पर साइड के टाइम में बहुत ज़्यादा रोड टूटे हुए थे, काफ़ी डर भी लग रहा था और देख कर इतना बड़ा बड़ा साइड, और ये क्या व्यू है गाइस, और भाई थोड़ा तेज कर तो तेज करना बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर नीचे। अरे तुम्हारे लिए फिल्म का टॉपिक है।